जैन दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पैराकमांडो साथी हो। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा पैराकमांडो में मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और मैं मोटी मोटी बताऊंगा पॉइंट क्या क्या चेक किया जाता है। तो हमारे साथ वीडियो में बनी रही है। सबसे पहले मैं मेडिकल कैसे करता है इसके बारे में बात करूंगा और अच्छी तरह से वीडियो में दिखाऊंगा किस तरफ से। पहले हमारी जो स्टूडेंट है इनको दिखा दे, तो किस तरफ से खड़े दिखा दे रहा है। हमारे जो स्टूडेंट है इनका सबके अभी मेडिकल कराने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हाथ सीधा करो। आपको इस तरफ से सबसे पहले हाथ सीधा किया जाएगा, ठीक है। और हाथ का जो चेकअप होगा इस तरफ से आप देख सकते हो, ये जो हाथ है बिल्कुल सीधा। अब इसका हाथ थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये बंदा मेडिकल अनफिट है, ठीक है। तो उसको फिट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊं कौन से एक्सरसाइज करे, ठीक है। अगर किसी का थोड़ा अंदर चले जाते हैं, इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से वो ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरफ से चेक किया जाएगा, अगर अंदर जा रहा है इस तरफ से इसका मतलब वो अनफिट है, ठीक है। सो नेक्स्ट, पहले सीधा करो, ठीक है। प्रेस करेगा इसमें, उसके बाद चेक किया जाएगा सीधा है डाउन। इस तरफ से बिल्कुल सीधा सीधा करो, सीधा मार। अगर किसी का जैसे अभी एग्जांपल ये है, अभी देखो इनका ये वाला हाई ऊंचा है, तो एक छोटा एक हाइट है कम है, इसका मतलब अनफिट है, ठीक है। इसके ऊपर भी पॉइंट दे सकते हैं। अभी देखो इनका दोनों है अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक अंदर है एक बाहर है, इसका अनफिट है। अभी दोनों अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फिट है, ठीक है। ये फिट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सीधा करो, सीधा। तो साथियों, सबसे पहले पॉइंट है हाथ चेक किया जाएगा, हाथ सीधा होना चाहिए, ठीक है। नंबर टू है आई टेस्ट। आई टेस्ट कैसे किया जाता है मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले इस तरफ से एक पेन रखेगा और इस यहाँ पर देखना, पितलिया को यहाँ पर देखना, ठीक है, आंख से यहाँ पर देखना, वहां से सिर को हिलाना है, ठीक है। तो इस तरफ से घुमाएगा और आपका यहाँ से 90 डिग्री होना चाहिए, आपकी आंख की जो पितलिया है वहां पर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आपका 90 डिग्री नहीं घूम रहा है इसका मतलब अनफिट होगी, अनफिट है आप, ठीक है। तो ये बंदा क्या है, फिट है, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, आपके कान, कान बिल्कुल चेक किया जाएगा मशीन से। और दूसरी बात, यहाँ पर जब भी आप मेडिकल कराने जाते हो, जैसे आप सिलेक्शन हो जाते हो, रनिंग के बाद मेडिकल होता है, उसके उससे पहले आप कान बिल्कुल साफ करके जाइए जिससे प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आ जाता है नाक। नाक में हड्डियां जो है वो टूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये टूटा है तो फिर आप अनफिट हो। अगर अगर नाक के हड्डियों में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर का सलाह ले सकते हो। उसके बाद आ जाता है दांत। दांत आके ये दांत बिल्कुल आपकी सही होना चाहिए। तीन दांत तक खराब होने से चल जाएगा, लेकिन इसको डॉक्टर से सलाह लेके इसको ठीक करा के जाइए और RCTC भी करा लीजिए। और अगर दांत खराब है तो भी उसको कैप लगा के भी जा सकते हो, वो भी चल जाएगा तीन दांत तक इसका दांत ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी। बॉडी में जो पीछे मुड़िए, बॉडी में क्या है, ये जो दोनों पार्ट यहाँ से यहाँ तक आपका सीधा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इस साइड में है ऊंचा नीचे, इसका मतलब अनफिट है। दोनों का बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बैकबोन। ये बैकबोन आपकी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको फिट माना जाएगा। अगर बैकबोन टेढ़ा है आप अनफिट है। तो इस तरफ से मोटी मोटी चीज वीडियो में बता दिया। उसके बाद आपका आ जाता है ये हड्डी। आप देख सकते हो यहाँ का जो हड्डियां है दोनों बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। अगर हड्डी कहीं आगे पीछे बड़ा है तो फिर आप अनफिट। देखो इसका हड्डी थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, हो सकते है इसका पॉइंट दे कि डॉक्टर के ऊपर बता नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से पॉइंट देना नहीं चाहिए, तो इस टाइप में नहीं आना होना चाहिए। उसका आ जाता है चेस्ट। चेस्ट एक बड़ा एक छोटा, आप अनफिट है, और एक बड़ा एक छोटा है तो फिर इसका मतलब अनफिट है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा क्या तरीका है, और देसी तरीके में एक्सरसाइज बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आता है हाथ। हाथ में क्या है, यहाँ से एक स्केल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका बिल्कुल समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, जो भी है इसका जो माप 180 डिग्री होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पैर। पैर मिला सभी, पैर मिला, पैर का आ जाता है नोकनिस की बात। नोकनिस क्या है, यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए आपकी, ठीक है। ये बंदे का टच हो रहा है, ठीक है, ऐसा रखना, ठीक है, देख रहे हो। हाँ, इस टाइप में आपको टच नहीं होना चाहिए, टच नहीं करना, कोशिश करना, ठीक है। खड़ा होने के लिए जो तरीका है, इधर देखो, इस टाइप में होना चाहिए। ये जो लिया है तो अंदर की तरफ खींचो, इसको ऐसे घुमा के खींचो, खींच के रखना जितना हो सके, ठीक है, इससे थोड़ा राहत मिल जाएगा। सीधा करो,
और इसको अंदर की तरफ खींचे ऐसे, हाँ सीधा करो। इस टाइप में गैप आना चाहिए आपकी पूरे जो देख रहे हैं। चलो नीचे से वीडियो में पूरा दिखा दो सर। लग चल ये लग रहा है, ये इसका मतलब मेडिकल में थोड़ा आपको पॉइंट मिल सकते हैं। मेडिकल में पॉइंट मतलब सब प्लस माइनस पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। आपको मेडिकल क्या जाएगा, ठीक है। मैंने मोटी मोटी चीज बता दिया, और दूसरी बात बता रहा हूँ, बाल बिल्कुल छोटा करके जानी है, ठीक है। और मेडिकल में घबराना नहीं है, 99% घबरा जाता है इसलिए अनफिट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं। उसके बाद ये देख सकते हो इनका भी बिल्कुल फिट है, आज ना इनके मेडिकल चेक कर लेते। हाथ सीधा करो, इनका बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है और बिल्कुल फिट है बंदा, ठीक है। आप ये हाँ दांत थोड़ा साफ करने के लिए, तो बस दांत बिल्कुल साफ कीजिए, ठीक है ठीक है। तो आप देख सकते हो साथियों, तमाम बच्चे हमारे पास सामने खड़े हैं, इनके आज मेडिकल कराया हूँ। तो मैंने जो जो पॉइंट चीज बताई, ये चीज अगर आपके अंदर कमी है तो डॉक्टर का सलाह लेके आप ठीक कर सकते हो, ठीक है साथियों। तो वीडियो को कैसा लगा जरूर बताना, इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।